कढ़ाई में हम अभी बादाम भून रहे हैं, अभी हम बादाम का लाई बनाएंगे। ये देखिए कढ़ाई में हम बादाम भून के अभी बादाम का लाई बनाएंगे अच्छा से गोल देख के। ये मेरा बादाम भून के हम तैयार कर लिए हैं, बादाम तो मेरा पूरा भुंजा गया है। ये देखिए मेरा बादाम भुंजा के तैयार हो गया है, इसको हम गमला में रख रहे हैं। और जुड़ाएगा तो अपने चौका छूटेगा। और इसमें तिल को भूंजेंगे हम, इसमें तिल भूंजेंगे हम। तिल है इसको कढ़ाई में देके थोड़ा सा भूंज के इसको तिल का लड्डू बनाना है। मेरा बादाम भुंजा के तैयार हो गया, इसका चौका छुटाना है। दोनों एक ही साथ कर देते क्या? चौका सब कुछ हो रहा है बादाम का। क्या बनेगा बेटा बादाम का? लाई लाई बनेगा ना बाबू। ये देखिए हल्का हल्का भून जा रहा है, तो कोई खा तो लेना होती है। मेरा तिल भुंजा गया है, अब तिल को उतार के रख रहे हैं। अब गोल का पाक बनाएंगे। प्रियंका के पापा बादाम चुरा के रख दिए हैं चौकाश का। ये देखिए गोल का पाक बना रहे हैं। प्रियांशु क्या कर रहे हैं? उधर लगता है ये देखिए गुड़ में दे दिए हैं तिल को, अभी थोड़ा जम जाएगा अच्छा से, तब लड्डू बन जाएगा अच्छा से गोल गोल। ये देखिए बन के मेरा तैयार हो गया, अब गैस बंद कर दे रहे हैं। जुड़ा गया बना रहा है। हाँ ये देखिए तिल का लड्डू गोल गोल हम बना रहे हैं, पूरा गोल गोल बनाना।
लड्डू बना रहे हैं, आधा बन गया है। थोड़ी क्या हो गया, किट रहने पर एक गरम है बेटा। बेसन, आलू, पालक साग, क्या प्याज, तीनों को मिला के एक साथ हम सबको छाक रहे हैं। वो भी आधा किलो बेसन का। गिर गिर जाएगा।